चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखाविदं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माननीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय, कुलपति, मंच पर आसीन गणमान्य वैज्ञानिक एवं अन्य अतिथिगण तथा समस्त प्राध्यापक बंधुओं एवं माताओं और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, सर्वप्रथम मैं आप सबका मुख्य तौर पर डॉक्टर राजा राम यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तथा आप सब उच्च प्रतिष्ठित लोगों के बीच कुछ संबोधन करने का अवसर दिया गया है। यह मेरे लिए एक अत्यंत सम्मान का विषय है। आज इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ आध्यात्मिक ज्ञान के उन तत्वों का वर्णन करना चाहता हूं जिन्हें मैंने इस सदी के महानतम आध्यात्मिक व्यक्तित्व मेरे आध्यात्मिक गुरु परम आदरणीय शिला ऐसी भक्तिविदांत स्वामी प्रभुपाद से सुना था, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति उत्पन्न करेगा तथा आपके व्यक्तित्व को आदर्श बना सकता है। गुरुदेव बोस्टन यूनिवर्सिटी में थे और वहां पर उन्होंने लेक्चर किया। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी, इसमें कई विभाग हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट, सो मनी डिपार्टमेंट। गुरु महाराज कहते हैं, प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी, एक मृतक और जीवित में अंतर क्या है। एक विद्यार्थी कहता है मृतक के अंदर आत्मा नहीं है और जीवित के अंदर आत्मा है। गुरु महाराज कहते हैं वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी दैट सोल विच इज सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बॉडी, उस आत्मा के बारे में जानने के लिए कौन सा विभाग आप इसकी यूनिवर्सिटी में है। मैं आप सबको जिन्होंने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, छात्राओं ने भाग लिया, सबको बधाई देता हूं और आप सबका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहता हूं कि आत्मा के विषय में जानना बड़ा आवश्यक है।
मनुष्य जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो। अर्जुन कहने लगे कि मैं युद्ध कैसे करूं, मेरा परिवार है, ये योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं न त्व बाहुं जातु नासम ना त्वम नेमे जना दीपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयं मता परम। कोई समय ऐसा नहीं था अर्जुन तू नहीं था या मैं नहीं था या ये राजे महाराजे नहीं थे, ये थे अभी भी हैं फिर भी रहेंगे। वो क्या है? वो जीवात्मा है। मेरे प्यारे बंधुओं, माताओं, बालकों, बालिकाओं, आत्मा की ओर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। आप कृपया आत्मा के उत्थान का भी थोड़ा ध्यान करें। अमेरिका में मुझे मौका मिला, लॉस एंजलिस में, टोरंटो में और कुछ जगहों में लेक्चर करने का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो किनको प्रोड्यूस कर रहे हैं? हिप्पी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ हिप्पी पैदा हो रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा लॉस एंजलिस में छात्र ने कईयों को मार दिया, गोली मार दी। ऐसा क्यों? कैसी ये शिक्षा है? ये शरीर के संबंध में हम जो कुछ भी करेंगे ये आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। आत्मा की संतुष्टि कब होगी? जब उसको परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में लाया जाएगा, जब उसको परमात्मा के विषय में समझाया जाएगा। और ये शरीर हमें इसी काम के लिए मिला है। मेरी आप सब से, कुलाधिपति से और कुलपति से और सारे यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है कि आत्मा की तरफ ध्यान दें। भारत में भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ हमारे नेताओं ने क्या किया? ये धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष देश बना दिया। कोई धर्म ही नहीं। कहाँ देश पहुंच गया? क्या हालत है? क्या हो रहा है? क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं? अगर हम आत्मा के विषय में आएंगे ना तो हमें सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आप देखिए, एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है। वो पंछी को खाने के लिए बहुत कुछ देता है, क्षमा कीजिए, पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता, पिंजरे को साफ रखता है, पंछी तो भूखा मर जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर पिंजरा है, आत्मा जो है वो पंछी है। हम इस शरीर का तो बड़ा ध्यान कर रहे हैं, हर जगह इस शरीर के विषय में ही चर्चा होती है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आत्मा को भूलते जा रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं व माताओं, हमारे गुरु महाराज ने ये आत्म शिक्षा दे करके बुद्धिष्टियों को भक्ति पथ की ओर लाया। आप सब भी कृपा करके इन बातों की ओर ध्यान दें और आत्मा को समझने का और समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मा के बिना ये शरीर मृतक शरीर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब तक आत्मा शरीर में है तो शरीर हर प्रकार का कार्य कर रहा है। हमारा ये जो सनातन धर्म है, हमारे गुरु महाराज क्यों अमेरिका में गए? क्यों अमेरिकन लोगों को, कई बार भारतीय लोग कहते हैं जी आपके गुरु महाराज ने अमेरिका में जाके प्रचार क्यों किया, भारत में क्यों नहीं? तो हमारे गुरुदेव कहते थे, कहाँ लिखा है कि अमेरिकन लोगों को प्रचार नहीं किया जा सकता? भगवान ने गीता में कहा सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। हम सबके पिता श्री कृष्ण हैं। उसमें जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। और देखिए हमारी एक प्रार्थना भगवान से हम क्या करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कहते हैं सभी सुखी हो, सभी एक पिता की संतान है। आज हम लोग झपट गए हैं अपनी अज्ञानता के कारण, इसको दूर करने की आवश्यकता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, ये जो जाति पाति के भेदभाव हमें आ गए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, वो हिंदू था, उसको जमीन में दफनाया था, उसका नाम वहां लिखा था। दूसरा ईसाई था, तीसरा मुसलमान था। अब ये कुछ समय के बाद खुदाई करो, वहां क्या मिलेगा? मट्टी। ये कहेंगे अब हिंदू मट्टी, ये ईसाई मट्टी, या क्रिश्चियन मट्टी, या मुस्लिम मट्टी।
हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है। मेरी आप सबसे यही विनती है, खास करके भारतवासियों का ये काम है, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार थे, जो स्वयं कृष्ण, ये जिनका हरे कृष्ण आंदोलन है, उनके अनुयायी सभी जाति के लोग हैं, बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे दूसरी जातियों के लोग उनके अनुयायी हैं, कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। आत्मा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ये आत्म विज्ञान को जानना और इसको जीवन में लाना बड़ा आवश्यक है। प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, आत्मा की ओर ध्यान जरूर दें। देखिए दो चीजें हैं, भोजन, भोजन हम जरूर करते हैं, कितना भी काम हो भोजन के लिए समय निकालें, लेकिन भोजन क्यों करते हैं? प्राय किसी को पूछो कहेंगे भोजन हम शरीर के लिए करते हैं। हम पूछते हैं शरीर कैसे चलता है, कहते हैं भोजन से। तो मैं कहता हूं भाई अगर भोजन से शरीर चलता है तो मरे हुए को भोजन खिलाओ चलाओ, वो क्यों नहीं चलता? वो नहीं, वो ना भोजन खा सकता है ना वो चल सकता है। ये शरीर आत्मा से चलता है, आत्मा परमात्मा का अंश है। अभी हमारे गुरुदेव ने एक घटना बताई, एक वैज्ञानिक, विज्ञान जो है आत्मा में नहीं मानता, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसे अपनी विद्वता का बड़ा अहम था, मैं बड़ा विद्वान हूँ, उसकी इच्छा हुई कि मैं नौका विहार करूँ। एक नाविक को बुलाया उसने और कहा भैया हम समुद्र में घूमना चाहते हैं, आओ साहब बैठो। वो चप्पू चलाने लगा, नौका चलने लगी, तो वैज्ञानिक जिसे अपने ज्ञान का थोड़ा सा अहम था, वो कहता है भैया नौका वाले तुम्हें कुछ फिजिक्स का ज्ञान है? तो वो कहता है साहब मैंने बचपन से नौका चला ही, मैं फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। कहते 25% तुम्हारा जीवन बेकार, तो फिजिक्स का ही कोई ज्ञान नहीं। नौका थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर कहता है अच्छा फिजिक्स का नहीं तो केमिस्ट्री का ज्ञान है? कहते साहब मुझे केमिस्ट्री का भी ज्ञान नहीं है, मैंने कहा मैं अनपढ़ हूँ, खाली मैं नौका चलाना जानता हूँ। कि 50% तेरा जीवन बेकार। नौका और आगे बढ़ी, थोड़ी नीचे ऊपर ज्यादा होने लगी, तो दूर उसने देखा, उसने पूछा उसको, उस वैज्ञानिक ने नाविक, नौका क्यों नीचे ऊपर हो रही है? कहते साहब ऐसा लगता है समुद्र में तूफान आ गया। फिर कहते आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। कि सर 100% आपका जीवन बेकार। प्रिय बंधुओं व माताओं, बालको बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, वो जो नाविक की तुलना हमारे गुरु महाराज ने इस भक्ति ज्ञान से की थी, कहा है उज्जवल पहनी है कपड़ा और पान सुपारी खाए, एक हरि की भक्ति बिन बांधा यम पुर जाए। बड़े सुंदर कपड़े पहने, पान सुपारी खाई, लेकिन अगर आत्मविज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा के साथ आत्मा को नहीं जोड़ा, तो सब बेकार। तो मेरी यही निवेदन है सभी बंधुओं, सभी बालकों से, आत्मा को मत भूलो। देखो आत्मा को भूलने के कारण हम एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, उसके अंदर भी आत्मा, मेरे अंदर भी आत्मा, हम सभी परमात्मा के हैं। भगवान ने गीता में यह भी कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रतापिता, जितनी भी योनिये हैं उसमें भगवान ये नहीं कहा कि हिंदुओं का मैं बीज देने वाला पिता हूँ, सभी का हूँ, भगवान सबके हैं। और देखो भगवान के भक्त तो मुसलमान भाई बहुत हुए हैं, अपना ताज बीबी हुई, बड़ी अनन्य भक्त थी, और कई मुसलमान हुए, कई ईसाई कृष्ण के भक्त हुए, तो कृष्ण सभी के हैं और ये आत्मज्ञान सबके लिए है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से कि आत्मा की ओर ध्यान दो, आत्मा का अगर उत्थान होगा इस शरीर में, अगर आत्मा स्वस्थ रहेगी तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहेगा, अगर आत्मा स्वस्थ नहीं रही तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। प्रिय बंधुओं व माताओं, आत्मा को स्वस्थ कैसे किया जाए,
वो हमारे गुरु महाराज ने विदेशियों को सिखाया। कई लोग कहते देशियों क्यों नहीं, देशियों का इंटरेस्ट नहीं रहा, उसमें दिलचस्पी नहीं रही, देशी लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, अपनी भाषा नहीं रही। तो जिनकी ओर हम जा रहे हैं, जा रहे थे, गुरु महाराज ने उनको इस ओर लाया। आज पूरे अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, अपना कनाडा, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, सब जगह जो है ये प्रचार हो रहा है। और आप सब भारतवासी सब अच्छे हैं, मैंने देखा, मैं सब देशों में जाता हूं पर भारत जैसा देश मुझे कोई नहीं दिखता। इस भारत को अच्छी दिशा की ओर ले जाओ, अपने में भाईचारा उत्पन्न करो। ये कैसे होगा अगर हम आत्मा के स्तर पर आएंगे। जो मेरे शरीर में आत्मा है वही एक मुसलमान के शरीर में भी है, वही ईसाई के शरीर में भी है, वही एक कीड़ी के, एक चींटी के शरीर में वही आत्मा है जो मेरे शरीर में है। वो कर्मों से कीड़ी बना, चींटी बना, मैं मनुष्य बना। तो मनुष्य बने हैं हम, तो यहां से आगे बढ़ना है। आगे कहां जाना है, हमने परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी, गीता में भगवान ने बताया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग के योगों का वर्णन किया। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति क्या है, सेवा, सेवा करता है भक्ति, भक्ति करता है सेवा, किसकी, श्री कृष्ण की। सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। अगर परिवार का मुखिया कहे कि मैं बच्चों का बाप हूं, पत्नी का पति हूं, घर का मालिक हूं, नहीं, ना वो बच्चों का बाप, ना पत्नी का पति, ना घर का मुखिया, वो सबका सेवक है, उसको सबका ध्यान रखना है। तो हम सब सेवक हैं लेकिन ये सेवा करके हम संतुष्ट नहीं है। अगर इस सेवा को थोड़ा भगवान की ओर मोड़ेंगे ना, और याद रखो भगवान एक है, नाम उनके अनेक हैं, उनको कृष्ण कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, यहोवा कहो, वो एक है। अगर हम उस भगवान में मानेंगे, आत्मा मानेंगे, तुम्हारे आपसी भेदभाव खत्म हो जाएंगे। हम उसमें मानते नहीं, हम शरीर के स्तर पर रहते हैं। भागवत में आता है जो अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के लिए कार्य करता है, सा एवाही गोखरा, वो गाय है या गधा है, पशु है, पशु आपस में लड़ते झगड़ते हैं है? लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य जो हमको मिला है, ये इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। हम इस शरीर को पा करके भी अगर पशुओं की तरह आपस में झगड़ते रहे तो क्या लाभ इस शरीर को पाने का। तो मेरी यही बार बार आपसे प्रार्थना है कि आत्मा की ओर ध्यान दो। और आत्मा की पुष्टि कैसी होगी, चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। चारों युगों में अलग अलग साधन बताए गए भगवत प्राप्ति के। ये कृपया सभी ध्यान रखो, ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है हमको, और किसी काम के लिए नहीं। बाकी काम हमने हर योनि में किए, आहार, निद्रा, भय में तुनच सामान्य वेता पशु वे नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नहीना पशु वे समाना। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है, अंतर क्या है, धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, धर्म क्या है, भगवान के नियम, जैसे सरकार के नियमों का पालन करना होता है ऐसे भगवान के भी नियम है। तो जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। आज का मानव देखो कहाँ जा रहा है, कितने क्राइम हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। अगर हम आत्मविज्ञान का प्रचार करें जो कृष्ण भगवान ने गीता में दिया, हम सब मिलजुल के रहेंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का साधन था कृति यध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी और सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। त्रेत्याम यजति मके, त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता, आयु होगी 10,000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान का नाम,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा जो है ना हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक कहे, उनमें पहला श्लोक कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयके दिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान कहते हैं पहले अपने मन को साफ करो, हमारे शिष्य रूपी हृदय पर जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी जो मल जमा है, गंदगी जमी है, उसको साफ करना है। शिष्य पर अगर धूल जमी है तो हम अपना मुंह नहीं देख सकते, उसमें मुंह देखने के लिए धूल को साफ करना पड़ेगा। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको दिल से निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेंगे? इस महामंत्र के जप से। कृपया आप सब मेरे पीछे उच्चारण करिए, हरे कृष्णा। आज लगता है आप सुबह से खाया कुछ नहीं आपने, आवाज निकालिए कुछ निसंकोच, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट के लिए आप जप कीजिए, शुरू कीजिए और अनुभव कीजिए। इस मंत्र के प्रभाव से हमने कईयों का जीवन बदलते देखा, जो लोग बड़े दुखी थे उन्होंने भी सुख की सांस ली। अगर आप इस मंत्र को जपते हैं, अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ, गारंटी मैं देता हूं हानि भी नहीं होगी, लाभ जरूर होगा। तो आप कृपा करके 10 मिनट के लिए इस मंत्र को जपिए। और वैसे तो मंत्र कितना जपना चाहिए, शुरुआत के लिए 10 मिनट मंत्र जपने के लिए कहा है, मेरे पीछे सब बोलिए, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो हम मैं आप ये वो कोई भी हम जो गलत कर्म कर रहे हैं ना, चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। पर अगर हम नाम जपते हैं तो हम अच्छे बन जाएंगे, तो चित्रगुप्त यमराज कहेंगे ये हमारा कस्टमर नहीं है, तो भगवान का हो गया। तो हम यही चाहते हैं आप सब भगवान के बनो, अच्छे बनो, ताकि आने वाला काल हमारा अच्छा हो। एक बात और ध्यान में रखिए, हमने कल एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। किसी को ध्यान में आई है परीक्षा? आप सबने, हम सबने बैठना है, कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके कौन सी परीक्षा है? किसी को नहीं पता, मेरे से सुनिए परीक्षा के बारे में, इस संसार से जाने की परीक्षा। संसार से जाना पड़ेगा, कहा है आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात दिलीर। जो आया उसको जाना है, राजा रंक फकीर कोई भी है, लेकिन एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है। सिंहासन पे चढ़ के कौन जा रहा है? जो भगवत भक्त है, जिसने बुराइयों को तिलांजलि दे दी थी, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्त था, और जो भगवान का प्यारा था, उसने परोपकार किया, उसने दूसरों का हित किया, किसी का बुरा नहीं किया। तो उसका जाना, भागवत भक्त का जाना जो है, वो सिंहासन पर चढ़ के गया, और जो भक्त नहीं था वो जंजीरों में जकड़ा हुआ गया। तो कृपा करके आप सब लोग, मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, भक्ति पथ में आगे बढ़ो उस बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। उसको हम भूल ही जाते हैं लोग, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया हाथ खड़ा करके कौन सी परीक्षा। और संसार से जाने वाली परीक्षा देखिए, मनुष्य कहता है मेरी स्त्री मेरा पुत्र मेरा मकान मेरी कार मेरा बंगला मेरा ये मेरा वो। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, भाइयों और माताओं ये शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा, ये इसको दफना दिया जाएगा। ये शरीर हम नहीं है, लेकिन हम भटक रहे हैं और अपने शर्म को पटक रहे हैं। ये भटकना आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर के इसको दूर करो और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबका कुलाधिपति का कुलपति का जितने भी पढ़े लिखे यहाँ विराजमान हैं साइंटिस्ट हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
और ये कामना करता हूँ भगवान से कृष्णेन मतियस्तु, कृष्ण हम सबको सद्बुद्धि दें ताकि हम उनकी शरण में आए, उनके भक्त बने और जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।